हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता चाहिए फ्राइडे तो आपका भाई आ गया आज रेडी, तो नमाज पढ़ने चलते हैं। जी गाइस, आपका भाई आ गया था नमाज पढ़ के, थोड़ा सा आके लेट गया था, हेड से ही पास गए थे सर, बेड बेड बनवाया तो 3:30 तक टाइम दिया, क्योंकि जुम्मे दिन मोस्टली शॉपें ऑफ हो गई हैं, तो जाते हैं उसके पास, ज़रा बेड बेड सेट करवाते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है, वो पेट पीछे भी करनी है। चलो मिलते हैं। भाई यहाँ पे हो गई है आपके भाई ख्वारी, हेयरड्रेसर की शॉप तो बंद है। तो भाई अभी आपको दिखाया मैंने हेयरड्रेसर की शॉप बंद थी, अभी खा पी के सभी देखते हैं क्या जब तक खुल जाए। तो खाना वाना खाने के बाद फाइनली शॉप खुल गई थी, लेकिन हेयर ड्रेसर ही शॉप पे नहीं थे। और पसीने चेक कर रहे हो भाई, क्या गर्मी इस कदर की, बार सिर्फ खाना खाया और इतने पसीने, क्या बताएं। कराची में आज माहौल ही कुछ अलग हुआ था, गर्मी की इतनी कि बस क्या बताया जाए। काशिप भाई का वेट कर रहे हैं, बस दिल्ली से आ जाए। तो फाइनली बेड वेड बन गई थी और आपका भाई हो गया था बिल्कुल समैक्सी। मतलब बात है, वैसे देखा जाए तो बेड वेड ट्रिम करवाने के बाद बंदे का लुक चेंज हो जाता है। आपका भाई ना खत्म करवा गया, तो खत्म करवा के आ गया तो गर्मी इस कदर की हो गई है। अच्छी में परसों ही बारिश हुई है यहाँ पे, उसके लिए आपको दिखाऊँगा, इतना ज़बरदस्त मौसम था, हवा ही हवा है, उसके लिए दिखाता हूँ आपको मैं। हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज। अभी देखो तो बस सिर्फ वीडियो शूट करो, पसीने के अंदर टाइट आ गए तो फिर चेंज चेंज करते हैं कुर्ता, क्योंकि वैसे कुर्ता पहना जाता नहीं और गर्मी तो बिल्कुल नहीं, तो चेंज चेंज करके मिलता है आपसे, देखता है कि क्या प्लान है। फिर हम गर्मी में जितनी भी कोशिश कर लो घर में रहने की, लेकिन रह ही नहीं सकते, घर वाले कोई ना कोई काम बोलते हैं। जब घर में सुकून से लेटे नहा हुआ कि शावर वावर लेके फ्रेश होके, नहीं अब सुकून से पंखे के नीचे बैठेंगे, शाम में देखेंगे क्या करना है, लेकिन नहीं, घर वालों ने बोला उठो और जाओ सामान लेके आओ। तो भाई इसकी जस्तजू में लगते हुए आपका भाई ने निकाले अपनी 125 और चले सामान लेने, और सीधा पहुंच गए चिकन वाले की शॉप। गोल्डन का क्या चलता है? दो कार्ड है। अच्छा, दो कार्ड है, उसका मुर्गी ताजी ताज़ी कटवानी है क्या?
एक किलो की डेढ़ किलो 500 कटवा दे 520 वो कटवा दे। अच्छा एक किलो गोल्डन कर दे बेटा। मीडियम में दो मुर्गी काट दो तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आपके भाई ने निकाली थी वॉच आपने पहनने के लिए, लेकिन सुनी सुनी कलाई मज़ा नहीं कर रही और वॉच निकाले तो देखते क्या है वॉच का हाल। डायल अलग है और दोनों उसके बैंड अलग हैं और ये है भी किसी का गिफ्ट तो और गिफ्ट को इस तरह रखा जाता है शेम होनी हो पास। तो जल्दी से इसको रिपेयर कराते हैं, आई होप ये रिपेयर हो जाए और ये चल भी नहीं रही है। चलो बाकी देखते हैं अब आगे ये रिपेयर होती नहीं होती, दुआ तो यही है और उम्मीद भी यही कि रिपेयर हो जाए। चलो चलते हैं। तो भाई वॉच में से पहले मैं सोचा वलीदा को पिक कर लें, तो वलीदा को पिक करने आए थे और उनके घर पर लाइट गई हुई और वलीदा सो रहे थे क्योंकि नाइट शिफ्ट करते ना तो दिन में सो जाते हैं सुबह सो जाते हैं। तो अभी उनको उठाया तो वॉच वाले के पास चलते हैं, आपको डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद हमने लोग कुछ खाया तो हैवी लंच करते हुए विद वलीद भाई। तो गाइस मुझे ऐसा हुआ कि आके आपका भाई सो गया था और अभी अभी उठा है तो शावर वावर लेके आया हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो मैंने आउट्रो बनाया नहीं था, मैंने चलो उठे तो अब बना लेते हैं। तो वैसे आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।